ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। भोजपुर में ईंट भट्टे चिमनी मैनेजर को सोई अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने घटना का अंजाम उस वक्त दिया है जब मंतोष कुमार अपने चिमनी भट्टे पर सोए हुए थे। मामला आरा नगर थाना क्षेत्र स्थित धनुपुरा इब्राहिमपुर मोहल्ले की बताया जाता है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश माना जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो 2 साल पहले भी चिमनी पर गोली चली थी, जिसकी सूचना आरा नगर थाना में लिखित दिया गया था। लिखित आवेदन देने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने से भी स्थानीय लोग नाराज हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच चुकी और शव को अपने कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भी लाया है। इस वारदात के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है। आरा पटना मुख्य मार्ग को स्थानीय लोगों ने अवरुद्ध करने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने अपराधी पर शिकंजा कसने की आश्वासन पर जाम हटा दिया गया। इस बाबत जब पुलिस से जानकारी लेने के प्रयास की गई तो पुलिस इस मामले में अभी भी कुछ कहना नहीं चाहती। पुराना दुश्मनी बा रंजीश बा, रंजीश बा हमने के कई बार प्रशासन के भी अलर्ट कर दिल वाले के प्रशासन सुन ले लेके एगो केसो कैले रह जा, चिमनी पर गोली चला रहे एक बार, तो तीन गो के नामो दिल रह जा, लेकिन प्रशासन वगैरह के उठैलस ना कही आज पकड़े पूछे तक ना छिल। अब पुलिस पैसा लेके चाहे पैसा हो जैसे हो के अपन रापा दापा कर लिया। कहाँ कहाँ का मामला है? ये सीट भट्टा बड़ू धनुपुरा में। अच्छा, तो वही लोग उहे लोग पहले वहाँ सीताराम यादव और उनका बेटा था बीराम यादव। कब हत्या भैया? 3:30 के लगभग। यह कहाँ जाते रहे हैं? जाते कहाँ रहे हैं? वही जो सुतल रहे सुतला में मर रहे हैं। अच्छा, चिमनी पर? हाँ, चिमनी मालिक ही हत्या किया है? मालिक की सर, मालिक नहीं ना, वो मैनेजर था। मैनेजर से उनका हत्या हुआ है। तो वहीं पर ये सोए हुए थे, सोए अवस्था मार दिया है। एक हत्या हुआ कि दो? एक हत्या हुआ। अच्छा, क्या नाम था इनका? मंतोष कुमार। क्या करते थे ये? मैनेजर के काम है। कहाँ घर है? रहिया। क्या उम्र होगा इनका? 35 वर्ष। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम गंगा राय। आपका नाम क्या हुआ? मीना जी। क्या क्या एक लड़का का किसी ने हत्या कर दिया है और तो पुलिस की जांच का विषय है कि किसने हत्या किया है। तो आपको कब सूचना मिली है? हमको तो 6:05 को सूचना मिली हुई है। हम अपना हॉस्पिटल में आए हैं, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो रही है और लड़का के परिजन भी हैं, बहुत सारे गांव के लोग भी हैं। क्या करते थे ये? चिमनी भट्टा पे मैनेजर का काम करते हैं। अच्छा, वहीं इनको मार दिया है। तो पुरानी दुश्मनी थी क्या? कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे है कि और लोग अपराध तो हो ही रहा है, अपराध तो बढ़ ही गया है। लगातार आप लोग देख रहे हैं कि हत्या की घटनाएं कम नहीं रही हैं, लगातार हो रही हैं। जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि विशेष चौकसी करें। लगता है कि 12 हो तो इसको रोकने होंगे। हाँ।